हेलो टॉरस वेलकम टू आर एंड गाइडेंस आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपका फेब्रवरी मंथ कैसा रहने वाला है चलिए आइए शुरू करते हैं कार्ड्स ओके okay. आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो आपसे एकदम अलग है जो आपका सोल मीट हो सकता है ठीक है ये जैसे कि यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल है फायर एंड वाटर तो आप एक एक बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन फ़ील करने वाले हो इस पर्सन से या इस समय पे आप किसी पर्सन को जानते हो जिससे आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हो ओके यहाँ मुझे कुछ लोग के लिए यहाँ पर प्रपोजल इंगेजमेंट ऐसा भी नज़र आ रहा है जो कि यहाँ पर रिंग है रिंग है एंगेजमेंट भी मुझे यहाँ पे कुछ लोग की ऐसा दिख रही है कि या कोई प्रपोजल है मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है कोई पर्सन आपके जीवन में आ रहा है या आपका सोलमेट कनेक्शन होगा लेट्स सी और क्या कार्ड्स बताते हैं इमोशनल फ्रीडम हम्म ओके यूमिनॉसिटी यहाँ सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है ये पर्सन भी ऐसा है जो ख़ुद से प्यार करता है और अगर आप सिंगल हो तो मुझे ऐसा लगता है अगर देखो अगर आप सिंगल हो और सिंगल uh, मतलब एकदम सिंगल ये नहीं कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो नहीं सिंगल हो ठीक है तो आप आपकी पर्सनालिटी की तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है ठीक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके लिए मैसेज है कि आपको ये समय खुद पे वर्क करने को मिला है एंड जो पर्सन है वो खुद पे खुद पे वर्क कर रहा है खुद का ध्यान रख रहा है टॉरस ठीक है तो आप खुद पर ध्यान दो उस समय पे ना कि उस पर्सन पे कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा वो क्या कर रहा होगा अगर इसके लिए टैरो ले रहे हो ना आपको इस समय पर खुद पे ध्यान देना है खुद से प्यार करना है नहीं करोगे तो ये पर्सन भी नहीं आने वाला ठीक है और ये पर्सन इस तरीके का होगा जो आपके जीवन में आ रहा है अब ये सबके लिए है ठीक है ना कोई सिंगल ना खिलो कॉन्टैक्ट किसी की बात नहीं हो रही यहाँ पे अगर ये पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये एफर्ट्स करेगा ये एफर्ट्स करेगा और आपको वो सेफ़ सिक्योरिटी वो स्पेस देना कि आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओ ना कि आप इनके वजह से हैवी फील करोगे कि मैं किसी से कुछ बोल नहीं पा रही ना इससे इनसे नहीं कुछ बोल पा रही कम्युनिकेट नहीं कर पा रही अपनी मन की बातें नहीं कर पा रही तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर ये पर्सन समझेगा एफर्ट्स करने वाला होगा और सेल्फ लव करने वाला होगा खुद से बहुत प्यार करेगा ये पर्सन ठीक है हाँ अगर आप हाँ या आप कहोगे कि मुझसे करेगा कि नहीं देखिए जो इंसान सेल्फ लव करता ना वो दूसरे से भी प्यार करता है जो खुद से ही प्यार नहीं करता वो दूसरे की वैल्यू क्या ही करेगा ठीक है अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आपको पता है अपनी ज़रूरतों के बारे में तो उसकी भी ज़रूरतों का ख्याल रखोगे जब आपको लगेगा कि नहीं अगर इस समय मैं होती तो मुझे भी ये ज़रूरत होता तो आप उसके लिए करोगे ठीक है ये भी बात है और अगर खुद से प्यार करते हो तो कभी भी उस पर्सन को तो अपने अपने आप से दूर नहीं जाने दोगे अपने आप से प्यार नहीं करते तो खुद को खुद की खुशी को भी सेबोटैच करोगे आप ठीक है वो चला जाए कोई फ़र्क नहीं तो ये होता है जब इंसान खुद से प्यार करता है और खुद से नहीं करता है तो समझ रहे हो तो उसी इंसान से प्यार करो जो खुद से प्यार करता है और होता भी यही है ठीक है अगर कुछ दो ऐसे लोग मिल जाते हैं जो वॉन्टेड है तो वो चीज़ें और ख़राब कर देते मतलब आप वो खुद भी प्यार नहीं करते मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार मतलब खुद से प्यार नहीं करते और एक दूसरे से प्यार करते हैं ठीक है प्यार करते हैं कह है लो अटैचमेंट हो जाती है अट्रैक्शन हो जाता है अट्रैक्शन खत्म भी हो जाता है ठीक है ये भी होता है तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सिंगल हो आप किसी के साथ टेकन भी हो आप तब भी मैं ये कहूँगी कि यार सेल्फ लव करना है आपको ठीक है आपके कार्ड से ही कह रहे हैं तो फिर आपका मन सेल्फ लव का है और खुद का ध्यान रखने का है एंड एफर्ट्स करने का है रिलेशनशिप में ठीक है ये नहीं आगे खुद को एक दूसरे को समझने का है एक दूसरे को स्पेस दो एक दूसरे को समझो और सामने वाले को एक्सप्रेस करने दो वो जब सामने वाला डर डर के एक्सप्रेस करे खुद को तब भी किस बात का ये लव रिलेशनशिप जब तक वो खुल के आपके सामने हर बात नहीं करता तब 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 तक वो वो रिश्ता स्ट्रोंग नहीं होता लेट्स तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जब वो पर्सन खुल के बात कर रहा आपसे तो वो हर बात बोल देता है ठीक है अब सामने वाले पर्सन उसका गलत मतलब भी निकालने लग जाते हैं भाई ये तो टॉक्सिक है समझना ठीक है ऐसे लोग से दूर रहो भाई जो आपके प्यार को आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हो आप उसके उसको सब कुछ बोल रहे हो खुल के आपका दिल प्योर है आप प्यार करते हो आप उसको सब कुछ बोल देते हो कि यार ऐसा है वैसा दोस्त की तरह देखते हो वही मौका पड़ने पर वो पोर्सन उन बातों को गलत तरीके से पोर्ट्रेट करता है कि नहीं तुम ये कहना चाहते थे तुम्हारा मतलब ये था सो oh टॉक्सिक ऐसे लोगों से तो आप दूर ही रहें और एक बार में अगर आपको पता चल जाए वो ऐसा पर्सन है तो प्लीज़ दूर रहना ही आपके लिए अच्छा है अ चेंज इन अवेंट हवा का रुख बदल रहा है यहाँ पर तो बदलाव आने वाला है बहुत बड़ा आपके जीवन में बदलाव आने वाला है क्योंकि ये द पर्सन ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है कोई तो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है मैरिज मैरिज का प्रपोजल लेके या लव रिलेशनशिप का प्रपोजल लेके फिर इस ये पर्सन जो भी है ये नैंग आपका सोलमेट या आपको बैलेंस करेगा एंड ये भी ये ऐसा पर्सन होगा कि सच में आपके लिए बना होगा इसको पाके आपको उनसे कोई शिकायत मुझे तो नहीं लग रहा कि नजर आने वाली है सी हैप्पी हैप्पी ओके आप सभी कहा जा रहा है टू बी फेयर एंड यंग की एनर्जी है एक्शन लेना एक्शन नहीं लोगे एफर्ट्स नहीं करोगे सा, सोचो सामने वाला सिर्फ एक्शन लेता रहे चीजें करता रहे तो ज़रूरी नहीं है आपको भी एफर्ट्स करने होंगे अपने लिए भी और हर रिश्ते में सिर्फ ये नहीं कि लव रिलेशनशिप की बात हो रही है एंड टू बी फेयर मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर आप किसी के साथ भी रिश्ते में हो या जो भी है कुछ भी कर भी रहे हो ना तब भी एक बार माइंड में आता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है या गलत क्योंकि क्योंकि कर्मा इज़ देअ जस्टिस होता है अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा बुरे करोगे तो बुरा तो यहां पे थोड़ा सा समझ के मे बी आप में से कुछ लोगों को जस्टिस मिल तो रहा है तो आपका हवा का रुख बदल रहा है लाइफ में टर्निंग पॉइंट एंड अब आपके खुश होने का समय है अगर अभी तक लाइफ में प्रॉब्लम्स देख रहे थे तो डॉरस ओके आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है साइलेंस साइलेंस आपके लिए ज़्यादा अच्छा रह सकता है क्योंकि जितना चुप रहो उतना अच्छा कम बोलो उतना अच्छा लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा कुछ कहने का कि इसने ऐसा कहा वैसा कहा ठीक है साइलेंस आपके लिए अच्छा है पैशनेट लव मुझे लगता है कि करियर हो या लव हो पैशनेट पैशन passion नहीं है ना किसी चीज़ में तो फिर उस उस चीज़ को करने में कोई मज़ा नहीं होता ठीक है कोई काम है आप कर रहे हो करियर में पैश पैशन ही नहीं फील करते तो आप खुश नहीं हो अपने काम से साइलेंस आपके लिए इसलिए अच्छा है कि हाँ हो सकता है बाहर बहुत शोर है बाहर लोग आपको कुछ बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होंगे ऐसा करो वैसा करो ये करो साइलेंस जितना आप साइलेंस मेंटेन करोगे उतना अच्छा एक्सेप्टेंस ओ माय गॉड कुछ कुछ लोग खुद से प्यार कर रहे हैं यहाँ पे सेल्फ लव कर रहे हैं कुछ लोग के लिए अनकंडीशनल लव भी आ सकता है कोई आपको वैसे ही एक्सेप्ट करने वाला है जैसे आप हो ठीक है एंड प्लेजर डेट पे जाने वाले हो किसी के साथ डेट किसी को डेट कर सकते हो यहाँ पे किसी पर्सन के साथ एक अच्छा पल बिता सकते हो किसी क्लोज फ्रेंड के साथ यहाँ पर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ठीक है एंड एक्सेप्टेंस चीज़ों को एक्सेप्ट करो लाइफ में यार कभी कभी चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती हैं तो भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस आपकी मांग रहा है कि एक्सेप्ट करो हो सकता है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ करना चाह रहा है और आप ही अगेंस्ट में हो सके कि नहीं नहीं चाहिए या फिर ये बदलाव मुझे नहीं चाहिए लेकिन ये बदलाव आपके अच्छे के लिए है तो चुपचाप ऐसे कह रहे कि इस बदलाव को एक्सेप्ट करो तो क्योंकि आपके अच्छे के लिए हो रहा है ठीक है और क्या कार्ड आपको बताते हैं यहाँ पर ऑफरिंग बैलेंस ईगो डेथ हो सकता है रिलेशनशिप में किसी का ईगो खत्म हो रहा हो अगर आपके साथ कोई भी रिश्ते में लेट गो चीजों को भूल जाओ यार लेट गो करो लेट गो करना सीखो चीजों को जितना संभाल के रखोगे उतना आपका मन हैवी होगा ठीक है और ये तो नहीं करना आपको इमोशनल फ्रीडम चाहिए राइट यहाँ पे ईगो डेथ हो रही है रिश्तों में ईगो खत्म हो रही है ठीक है और आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे चाहे किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जिनके साथ नहीं सही बन रहा है उन्हीं के साथ ईगो डेथ होगी एंड उनके साथ फिर से बनना चीज़ें ठीक होना शुरू होगी बैलेंस आएगा ठीक है एंड यहाँ पे ऑफरिंग का कार्ड भी आया है अगर आप चाहते हो कोई पर्सन आपके लिए कुछ करे तो आपको भी उतना इन्वॉल्व होना होगा उसमें आपको भी उनके लिए उतना कुछ करना होगा कि आप चाहो कि सामने वाला पर्सन करे ठीक है इक्वल इक्वालिटी तो होनी ही चाहिए ठीक है बहुत लोग कह देते हैं कि लव रिलेशनशिप में अगर आप किसी से प्यार करते हो तो गिविंग रहो फिर ये मत सोचो कि एक्सपेक्टेशन रखो जो एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशन रखोगे तो पेनफुल होगा जब ये रिश्ता दो लोगों का होता है तो इक्वालिटी होनी चाहिए चाहे आप लव रिलेशनशिप मतलब प्यार की बात है ठीक है और आप ऐसे किसी से तो प्यार नहीं कर सकते ना जो पर्सन उस लायक है उसी से करोगे ना वो भी आपको प्यार करता है अभी जब जब ये टू वे नहीं होगा तो फिर किस बात का लव या किस बात का कर... वो वो फिर कुछ नहीं कहेगा उनके साथ आपका रिश्ता बढ़ेगा कैसे आगे वो टेम्परेरी होगा कि कुछ समय का प्यार था एक तरफा था अरे हो गया खत्म इसको तो कोई और मिल गया वो आगे चल गया है ना तो मुझे लगता है इक्वालिटी होनी जरूरी कम से कम आप सिक्सटी फोर्टी ही सही फिफ्टी फिफ्टी ना सही पर आप दो अपना हंड्रेड परसेंट यार वो पर्सन भी वो पर्सन भी ओके आइए देखते हैं लेट्स और क्या कुछ और क्या है आपके लिए गाइडेंस सेवन ऑफ सो जस्टिस जस्ट टू बी फेयर तो हमने पहले भी देखा है किसी ने आपको चीट किया है कोई आपको छोड़ के के है justice. Justice होने वाला hmm. करो किसी का किसी ने अगर धोखा दिया है ना जस्टिस होने वाला है या आपको हो सकता है अपने लिए किसी को छोड़कर जाना पड़े कि मूव ऑन मूव ऑन कुछ चीजों को अब आपको छोड़ना होगा मंथ में जो आपको सर्व नहीं करता अब आपको उन्हें छोड़ना होगा छोड़ के जाना होगा वेट कर रहे हो किसी का तो कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि किसी और का वेट कर हैं पर अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे अपने अपने आप का ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पर ओके 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 चलिए तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है अपना ध्यान नहीं दे रहा है वो किसी और का ही उसका मन कहीं और ही लगा हुआ है ठीक है हो सकता है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए कि सोच समझ के आप आगे बढ़े, ठीक है सोच समझ के आगे बढ़ो मैंने तब भी कहा है कि जब भी आप कोई काम करते हो आपके मन में आता है ये क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत गलत मत करना चूँकि जस्टिस है यहाँ पर ठीक है सोच समझ के आगे बढ़ना प्लेजर क्लोज फ्रेंड जैसा कि मैंने कहा यह वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड है ठीक है ओके okay, यहाँ पे है सक्सेस विद अ गुड प्लान एंड हार्ड वर्क ठीक है तभी सक्सेस है आपकी और अगर आप यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में जाओगे तो सक्सेस मुश्किल है डेंजर स्पेशली इस मनी मैथ तो मनी को थोड़ा संभाल के खर्च करो एन एक्साइटिंग इवेंट फेयर वुमेन किसी फेयर वुमेन के साथ डील करने वाले हो आप प्लेटी ऑफ मटीरियल थिंग्स बहुत सारा पैसा ट्रबल okay. एंड तो अगर आप मतलब प्रॉब्लम्स देख रहे हो तो उसमें सक्सेस आपको मिलेगी फैमिली सोरो में कोई प्रॉब्लम आ सकती है गेट बैक टू द बेसिक कुछ चीज़ें हमें फिर से शुरू करनी होती है कुछ चीज़ें हमें शुरुआत से शुरू करनी होती है कुछ चीज़ों की नई शुरुआत हो सकती है ओके okay. तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब मैं चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग